कार्तिक आर्यन की तो किस्मत ही बदल गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनकी भिड़ंत हो रही है आज के बड़े बड़े सुपरस्टार से। और ये हर कोई जानता है कि सबका क्रेडिट जाता है कार्तिक और कियारा की भूल भुलैया 2 को। इस फिल्म के रिलीज से पहले बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हिट फिल्म का सूखा झेल रही थी, लेकिन कार्तिक आर्यन और कियारा की इस मूवी ने बम्पर ओपनिंग कर सबको एक अलग ही खुशी दे डाली। ऐसे में शायद लोग अब ये भी कयास लगा रहे हैं कि क्या अब इस फिल्म का सीक्वल आएगा या नहीं। अगर कयास नहीं भी लगाई तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप सोचें या ना सोचें लेकिन भूल भुलैया 2 की बम्पर कमाई को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने अपना इरादा पक्का कर लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, अपनी फिल्म की जबरदस्त सफलता से एक्साइटेड होकर प्रोड्यूसर भूषण कुमार और मुराद खेतानी ने पार्ट 3 बनाने का मन बना लिया है। फिल्म भूल भुलैया 2 के निर्माता भूषण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी टीम जल्द ही भूल भुलैया सीरीज की तीसरी फिल्म पर काम शुरू करेगी, जो कि फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। भूषण कुमार ने फिल्म को लेकर कहा, भूल भुलैया सीरीज की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, हम इस सीरीज को आगे बढ़ाने के मूड में हैं। इस सीरीज की तीसरी फिल्म का पूरा स्कोप है, हमारी टीम जल्द ही भूल भुलैया 3 की डिटेल्स शेयर करेगी। और प्रोड्यूसर्स के इस स्टेटमेंट ने इस बात पर तो पक्की मोहर लगा दी है कि फिल्म का अगला पार्ट जल्द ही आएगा और मेकर्स खुद सही समय आने पर इस बात का खुलासा करेंगे। हालांकि अब देखना यह भी होगा कि भूल भुलैया के इन दोनों ही पार्ट्स ने अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए, तो ये नया सीक्वल आखिर कौन सी सुनामी लेकर आएगा। उससे भी बड़ी बात तो ये है कि क्या अक्षय और कार्तिक में से ही कोई होगा इस फिल्म का हिस्सा, या मेकर्स कोई और ही नया चेहरा लेकर आएंगे इस सीक्वल के लिए। वेल, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिल्म का सीक्वल जब भी आए आप लोग पहले ये बता दीजिए कि आखिर आप इस मूवी में किसको आगे देखना पसंद करेंगे।